कैसी लगी मूवी आपको? बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। यस, वेरी इमोशनल एंड कॉमेडी एंड नाइस मूवी, बहुत अच्छी लगी, फैंटास्टिक मूवी। मूवी ऑन द होल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंस्पिरेशनल मूवी है एंड ये हर पर्सन को देखनी चाहिए इनफैक्ट। एंड इसमें काफ़ी मैसेज है, जैसे उन्होंने अपनी अपने आप से ही फाइट करके अपने आप को उस चीज़ को अचीव किया है एंड बहुत अच्छी मूवी। या बहुत अच्छी लगी ये मूवी, डिफरेंट है दूसरे स्पोर्ट्स मूवी से, या कोई हम लोग देखते हैं इंस्पिरेशनल, देखे चलो हमें कुछ बनना है, कि हमें मतलब पर्सनली के लिए ज़्यादा सोच के एक फैमिली के बारे में लगता है, स्पेशली वाइफ हो, बेटी हो या माँ हो, तो वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की है और एकदम परफेक्टली उठाया। पिक्चर में सबसे अच्छा क्या लगा? द थीम ऑफ द मूवी दैट फैमिली सपोर्ट हो तो कोई भी वुमेन वापस आ सकती है इन हर करियर एंड शी हैज रियली रॉक फ्रॉम दैट एंगल। स्टोरी अच्छी है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट विक्की डोनर के बाद कंटेंट इज द किंग, बाकी सब सेकेंडरी है। The content is very good. मैं ये बिलीव करता हूँ जिसने सीखना है वो हर जगह से सीख सकता है और ये मूवी तो बहुत कुछ सिखा रही है। कंगना रनौत और ऋचा चड्ढा का काम कैसा लगा? ऋचा इज टेरिफिक। ऋचा चड्ढा इज दैट रिक्वायर्ड स्पाइस इन द मूवी, वो जो बोलते हैं ना खाना खाते टाइम पिकल चाहिए, ऋचा चड्ढा वाज दैट। ऋचा चड्ढा उससे भी बेटर लगी मुझे, बिकॉज वो बड़ा लग रहा था कि कोई अपना दोस्त यार है उस तरह का है और ऐसे हर लोगों के साथ होते हैं, तो ऋचा चड्ढा वाज मोर नेचुरल देन एनी बडी एल्स। बहुत अच्छा था इनफैक्ट, आई शुड से कि लाइक कंगना ने अपने रोल के साथ हमेशा जस्टिस किया और इस बार भी उन्होंने वही किया, शी इज अचीव्ड इट। स्टोरी में कितनी दम लगी? आई थिंक स्टोरी है सबके लाइफ में, सब कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी को। फिल्मी नहीं है कोई भी विलन, ओवर द टॉप ऐसा कुछ एक्शन ड्रामा ऐसा नहीं है, मेलो ड्रामा भी नहीं है, तो इट्स स्टोरी ही सब कुछ है। आई थिंक स्टोरी पे ही उन्होंने डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो मूवी रेगुलर मूवी है। फायरिंग थिंग अबाउट द मूवी वाज दैट द फैमिली सपोर्ट किसी लेडी को जब मिलता है तो वो शी कैन फाइट ऑफ एंड कम बैक व्हिच एवर वे शी वांट्स, दैट इज द थीम ऑफ द मूवी एंड इट्स कम आउट वेरी वेल। जैसे वो अपने आप से ही, जैसे हम लोग होता है कि एक टाइम आता है जब हम अचीव कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं, तो वैसे ही, और उसके बाद में फिर हम जब देखते हैं कि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, देन अगेन वी वॉन्ट टू गेट दैट बैक। तो उस तरीके से जैसे उन्होंने फाइट किया और उस चीज़ को वापस से अचीव किया, तो वो जो स्पिरिट थी वो बहुत अच्छी थी। अलग जॉनर की फिल्म है, हर कुछ है उसमें, तो मजा आया देख करके फिल्म। तो ये लोगों को कितना इंस्पायर करेगी? वुमेन को इंस्पायर डेफिनेटली करनी चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम आप सोच तो सकते हो कि यू शुड गो एंड सी द मूवी, तो वुमेन ने डेफिनेटली देखनी चाहिए, मैन तो देखना चाहिए। ये जो इसमें दिखाया है कि वो एक साल के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि हस्बैंड अगर टूर पे जाते हैं तो वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वुमेन अगर एक साल के लिए जाती है तो सभी को प्रॉब्लम हो जाती है। आउट ऑफ फाइव मैं फोर बोलूँगा, 3.5।